हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं अपनी बेटी के स्कूल में और आज इसका स्पोर्ट्स डे है तो यार इनवाइटेड, तो चलिए चलते हैं। हमने सोचा चलिए आपको भी टूर करा दें। और ये यहाँ के गार्ड हैं। आपका नाम क्या है? हाँ, विनय कुमार। विनय कुमार, तो ये गेट हमेशा लॉक ही होता है, ऐसे बंद रखते हैं। जब अंदर से परमिशन आती है तभी ये डोर ओपन करते हैं। तो चलिए अब हम लोग अंदर चलते हैं। ये एंट्रेंस है। जेंट्स को नॉर्मली और एंट्री नहीं मिलती है, लेडीज को भी फोन करके पहले कंफर्म करते हैं प्रिंसिपल से, उसके बाद ही एंट्री मिलती है। तो सिक्योरिटी वाइज तो हमें अपनी बेटी के लिए बहुत सही लगा यहाँ पे। और बात, अंदर कोई मेल फैकल्टी नहीं है। प्रीति मैम ने बुलाया था। विजिटर्स आईडी। हेलो मैम, गुड, शी इज फाइन। अभी तो आपके पास है। ये यहाँ की प्रिंसिपल मैम है, प्रीति मैम। और ये डायरेक्टर मैम है, गीता मैम। हम इसलिए भी आए थे कि एक बार हम टूर करा देते हैं स्कूल का। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानना चाहते हैं सैनफोर्ड के बारे में, तो स्पोर्ट्स डे भी हम देखेंगे। और अभी तो एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई है, बट तब तक आपको स्कूल विजिट करा देते हैं और जब एक्टिविटी होगी तो यू कैन पार्ट। टूर करते हैं। आप जाओ। ओह, जेंट्स आर नॉट अलाउड इनसाइड। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। यशस्वी, से हेलो टू आंटी। हेलो। और एक फोटोग्राफर भी है यहाँ पे। ओके बाय। ऑनलाइन सेशन में मैम, जो दूसरे स्कूल के बच्चे हैं जो फॉर्मल स्कूल में स्टडी कर रहे हैं और जिनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो वी हैव सेपरेट सेशन जिन्होंने डे केयर अडॉप्ट करा है, यहाँ पर हम उनको ऑनलाइन क्लासेस करा रहे हैं। चाहे वो सैनफोर्ड में नहीं भी होंगे तो यहाँ पे बैठ के वो कर सकते हैं। वाह, बच्चे आते हैं लाइक लोटस वैली, एस्टर, डीपीएस, काफ़ी सारे स्कूल के बच्चे आते हैं, तो वो यहाँ पे अपने टाइम के अकॉर्डिंग ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। उनको ट्यूशन फैसिलिटी हम लोग यहाँ पे देते हैं, तो प्रॉपर ये लोग हमने उनके डिजाइन बनाए। शी इज आर टीचर, ऑनलाइन सेशन मैम भी कराते हैं। शी इज आर डे केयर इंचार्ज मेघा मैम एंड जूनियर और सीनियर टोडलर की मैम है। अच्छा मैम, ओके, अंकित मैम। क्लासरूम भी इसका साइज भी बहुत अच्छा है। अच्छा, टेक्स इंट्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, ग्रीन टेक्स।
तो ये सारी पेंटिंग स्टूडेंट्स ने बनाए, स्टूडेंट्स ने बनाया है। लेकिन मैं वही बता रही थी, जैसे आयरा को तो आपको पता ही होगा कि एवरीडे हमारे पास एक एक्टिविटी रहती है और फ्राइडे को स्पेशल एक्टिविटीज रहती है, तो ये सब स्टूडेंट्स ही करते हैं। ये अंतिश मैम की क्लास है बेसिकली। हर क्लासरूम के बाहर आपको उनकी क्लास टीचर का नाम मेंशन किया हुआ है। जिसमें एक्टिविटी है जिसमें बच्चे फ्री पीरियड होता है जिनका, जो दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। यहाँ पर भी हम लोगों ने इस तरीके के गेम्स रखे हुए हैं, लाइक उनके कॉन्सेंट्रेशन पावर इंक्रीज होते हैं। जिससे फिशिंग गेम है, किसी को भी नया अच्छा होता है, उसको सेटल होने में टाइम लगता है, सो यूजली यूज दिस काइंड ऑफ स्पेस। सो बच्चे का इंटरेक्शन होता है उसका टॉयज। आज ये स्पेशली डिजाइन करा है बच्चों का, कुछ रेस होने वाले हैं। अच्छा, एक्टिविटीज है हमारी। ओके, हमने यहाँ का थीम बनाया हुआ है, पिंक थीम फॉर गर्ल्स, ब्लू थीम फॉर बॉयज। और बेड पे नाम भी लिखा हुआ है। यस मैम, यहाँ पर क्या है कि जो एक बेड किसी बेबी को अलॉट हुआ है वो उसी बेबी का ही है। ऐसा नहीं है कि आप बेड आज किसी और को दिया है, कल किसी और को, फॉर हाइजीन पर्पस। बेडशीट, ब्लैंकेट, कुशन कवर, सब कुछ, टॉवल, हैंड टॉवल हम लोग देते हैं और वन वीकली आपको वो वॉश करना पड़ता है। ये आयरा की बेड है। अच्छा, ये ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम मतलब ये है कि चलो समथिंग गोइंग टू बी हैपन वेरी क्रेजी। एक्टिविटीज होती है वो, जैसे इंडिपेंडेंस डे है, कुछ स्पेशल हमें सेलिब्रेट करना है, दिवाली सेलिब्रेट करना है, कोई भी ओकेजन होता है तो यहाँ ऐसे सेलिब्रेट करते हैं। जैसे बच्चों को स्टेज एक्सपोजर हम लोग देते हैं तो वो यही देते हैं। बर्थडे सेलिब्रेशन हम यहाँ करते हैं, बच्चों को जो मी टाइम देना होता है मील टाइम हम लोग यहाँ करते हैं, जो किचन के पास में है। तो फिर हमें किचन का टूर भी मिलेगा। स्पोर्ट्स डे है, बच्चे थोड़ा लेट आने वाले हैं, तो हम लोग अपने बच्चों को थोड़ा सा ब्रंच टाइप दे रहे हैं। कुछ हम बच्चे जो सैंडविच खाना चाहते हैं उनको सैंडविच देंगे, कुछ बच्चों की डाइट अच्छी है तो हम उनको रोटी सब्जी भी देंगे। और सब वैक्सीनेटेड है, सबका बैच लगा है। 100% वैक्सीनेटेड फ्रॉम गार्ड पर या टू प्रेमा दीदी। तो ये अच्छा है कि मतलब जब तक यहाँ रहते हैं तो बच्चों को मील मिलता रहता है। मील मिलता रहता है, तो जैसे मॉर्निंग में बच्चे आते हैं तो 11:30 हमारा ब्रेक, अभी विंटर से तो बच्चे 10:00 आते हैं, 11:30 हमारा ब्रेकफास्ट टाइमिंग होता है। उसमें हम लोग बच्चों को इमोशनली, बच्चे बीट रूट पूरी खाते हैं यहाँ पर, पालक पूरी खाते हैं, हम लोग केचप नहीं देते बच्चों को, हम टमाटो चटनी बनाते हैं यहाँ पर बच्चों के लिए, कि बच्चों को पूरी डायरेक्ट नहीं खानी है। तो कुछ डिफरेंट है, बच्चे ब्रेड पूरी खाते हैं, पूरी को हम अलग अलग शेप देते हैं, सर्कल, ट्राइंगल, सेमी सर्कल। हाँ, मैं भी आयरा को घर पे ऐसे थोड़ा अलग अलग करती हूँ। तो बच्चों को लर्निंग भी होता है, फिर डिफरेंट डिफरेंट होता है। ग्रिल पूरी डे आता है तो हमको ग्रिल पूरी मिलती है, मटर कचौड़ी मिलती है, इसके अलावा हमको यहाँ पे चीटे भी होता है बच्चों को, पास्ता भी खिलाते हैं। और फिर 1:00 हमारा लंच ब्रेक होता है, जिसमें प्रॉपर दाल, राइस, सब्जी, रोटी पूरा बनता है। सर्दी होती तो हम लोग यहाँ बथुए का रायता बनाते हैं। अगर मेन्यू के अकॉर्डिंग कोई बच्चा नहीं खा रहा है, उसको चीज़ नहीं पसंद है, उसके लिए मैं स्पेशली कुछ और बनवा लेती हूँ, सो दैट कोई भी बच्चा भूखा ना रहे। थोड़े थोड़े ब्रेक में हम लोग बच्चों को देते हैं, जैसे 1:30 हमारा लंच ब्रेक हुआ, 3:00 हम लोग उनको फूड ब्रेक देते हैं, 5:00 हम इवनिंग स्नैक्स देते हैं। पेरेंट्स ने अपने बच्चे को यहाँ भेज दिया है, वो 3-4 घंटा यहाँ रहता है या डे केयर में भी रहता है, तो उसको फूडिंग की टेंशन नहीं होती। जो सबसे अच्छी बात ये है कि हम जो भी फूड बच्चों के लिए प्रिपेयर होता है, पहले खुद मैं और डायरेक्टर हमने फेस करके भी फूड बच्चों के लिए दिखा देती हूँ। ये वॉशरूम है, और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि यहाँ पर भी आप पार्टनर के साथ। We have 2 small pots. छोटे बेबी के हमने पॉट भी रखा हुआ है। टॉडलर अगर है तो। Yes, ये हमारा proper training हो रही है। Teachers हैं हमारे पास। जी। ये अगर कोई बाहर से आता है तो female use कर सकती है, जैसे ये इसको teachers। और we believe in boy and girl. Girl can use pink towel and boy can use blue towel. Nice.
है, तो उसकी थोड़ी एक्टिविटी की भी हम वीडियो बना लेंगे। ठीक है, श्योर। स्कूल के साथ साथ हम लोग यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी कराते हैं, जिसमें आर्ट एंड क्राफ्ट है, आपकी ट्यूशन क्लासेस है, स्पीकिंग है बच्चों का, और जुम्बा होता है हमारे यहाँ, डांस क्लासेस होती है, कराटे भी होते हैं। मतलब आप अगर बच्चों को मॉर्निंग में यहाँ ड्रॉप कर रहे हैं तो आप इवनिंग में बच्चों को यहाँ से जब लेकर जाएंगे तो वो 8 hours 10 hours बच्चे कुछ कुछ एक्टिविटीज में बिजी हैं, पढ़ाई के साथ साथ वो यहाँ एक्टिविटी भी कर लेते हैं। डोंट नीड टू वरी कि बच्चों को पिक करना है फिर ड्रॉप करना है फिर पिक करना है ड्रॉप करना, ये वाली चीज नहीं। मुझे पीछे फ्रेम में कुछ क्राफ्ट का आइटम दिख रहा है तो वो भी स्टूडेंट्स ने बनाया है। हम लोग एक सेशन चलाते हैं कबाड़ से जुगाड़, स्पेशलिस्ट को नाम देते हैं, जिसमें बच्चों से बोलते हैं वेस्ट मटेरियल लेकर आइए। धूप बत्ती का डब्बा है जिसमें बच्चे लेकर आए थे और उन्होंने अब फैन स्टैंड बनाया है। अच्छा, ये दाल लगाई, दाल लगाई है, यस। ये आइसक्रीम स्टिक से बनाए, इनफेक्ट ये भी हम लोगों का नेम प्लेट भी बच्चों ने बनाया है। आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर है, शी इज वेरी टैलेंटेड, सारा जो स्कूल डेकोरेट करा है वही करते हैं। अच्छा, तो उसके लिए आइडियाज भी चाहिए, आइडियाज भी चाहिए। आप ये वॉल पर देखेंगे सब हमारे बच्चों ने किया है, देखिए बच्चों ने किया है। ये देखिए जिसमें बच्चे जब 1 बजे की बात रहते हैं तो उनकी कुछ कुछ एक्टिविटीज होती है, तो उसमें हम उनको कभी थंब पेंटिंग, कभी पाम पेंटिंग, कभी रबर पेंटिंग, ये सब कराते हैं, तो सब बच्चों ने किया है। और एक ग्रुप के हिसाब से होता है, ये वे भी स्टाइल में है, अच्छा है। वो वेस्ट नहीं है, ये डेकोरेशन के लिए, अच्छा है यहाँ डेकोरेट, तो कुछ भी वेस्ट नहीं होता। शुरू कर दिया है। बोलो यशस्वी। सारी होनी चाहिए।